की न मन रहो जाट हो सहर जो जाट की न मन रवा हो जाटनी। हे गाइस, अभी और किस सुबह और रेंद्र जाचे के स्कूल में मैं गई नहीं और कल से जाऊंगी स्कूल में, काम था मुझे। और मम्मा जो है नहाने जा रखी हैं और मैं इतना मम्मा नहाने के आएंगे इतने मैं रूम में से झाड़ू कर लगा रही हूँ। देखो तो मम्मा जाएंगी शॉप पे और मैं कोठा कन्नू दूध पी रहा है वहाँ पे, फिर मम्मा यहाँ पे जोत वो करेंगी, जोत पूजा वगैरह करेंगी, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे क्या करती है मम्मी पूरे दिन। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम है आपका एक और नए ब्लॉग में और सभी को माता की। तो गाइस, मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, पूजा पाठ कर चुकी हूँ और थोड़ी देर बैठ जाती हूँ इधर आप लोगों से बात करने के लिए। अभी मैं जाऊँगी शॉप पे, शॉप पे जाने के बाद मुझे जाना है टेलर के पास। टेलर के पास क्यों जाना है गाइस? मुझे अपना सूट नहीं सिलना डालना, मुझे डालना है कविता का सूट सिलना। कविता मतलब मेरी फ्रेंड का, वो यहाँ नहीं रहती, वो बठिंडा रहती है। तो कोई जाएगा इधर से और वो जाता होगा उसका सूट उठा ले जाएगा, वहाँ उसको सूट पसंद नहीं आते, यहीं से जाता है हर बार सूट, 2 साल हो गए यहीं से सूट जाता है करवा चौथ पे। तो देखते हैं, मतलब अभी मैं यहाँ से जाऊँगी फिर टेलर के जाऊँगी तो आपको आगे दिखा दूँगी कि क्या कुछ है। और गाइज आज है, और गाइज आज है कौन सा फास्ट है आज? गाइस आज कौन सा फास्ट हो गया, मैं तो भूल ही गई। सातवां आज है, 7th डे। और गाइस जिस पार्टी को मैंने वोट डाली थी वो हार गई, पर यकीन नहीं हो रहा भाई, इतनी इतना सपोर्ट था फिर भी पता नहीं कैसे हार गई, पता नहीं कुछ गड़बड़ी करी है क्या किया है, हमें तो हमारी तो समझ से बाहर। और हाँ, आज है 7वां दिन फास्ट का जो मैं बता रही थी, फिर कल 8 है, हमारे तो 9वीं की कढ़ाई होती है तो कल नहीं होएगी, परसों होएगी, वो दिखेगी आपको इससे नेक्स्ट व्लॉग में। इस वाले व्लॉग में दिखेगा आपको क्या दिखेगा इस वाले व्लॉग में, बस यही रहेगा कि एक तो मेरे को टेलर के जाना है और दूसरा क्या करना था, दूसरा मुझे शॉप पे जाके देखूंगी, काम स्टार्ट हो रखा है अब तो, काम में बिजी रहते हैं। और लड्डू को भी मैंने खाना वाना खिला दिया तो अब निकलती हूँ गाइस, फिर आपको मिलूंगी शॉप पे। और आज जो मैंने आज जो व्लॉग डालना है ना, मैंने वो अभी एडिट भी नहीं किया है, मतलब वो डालना तो कल था लेकिन कल मुझे टाइम नहीं मिला, कल मुझे इमरजेंसी में दिल्ली जाना पड़ा था तो कुछ लाना था सामान उसके लिए, और तो आज डालना है वो, अभी एडिट करूँगी शॉप पे जाके, तब एडिट करूँगी फिर अपलोड करूँगी फिर डाल लूँगी। तो मिलते हैं आपको शॉप पे। सो गाइज, मैं हूँ अभी शॉप पे और अभी जा रही हूँ मार्केट। मैंने अपना प्रेस ले लिया है, क्लच प्रेस कुछ भी बोलो, और आज लेके आना है कंजकों के लिए सामान, क्योंकि कल करनी है 9वीं की कढ़ाई तो उसके लिए मैं आज अभी सामान लेने जा रही हूँ। और इसको तो बस क्या क्या खीर, कल खीर खाएंगे। मैं ना लाऊं, मैं खुद ही जाके ले आऊंगी, आप मत लेके। चल ठीक है, मैं ना लेकर आऊं, तू जाके ले आई, मैं एड्रेस बता दूंगी। ठीक है, हमारे पड़ोसियों के क्या का उद्घाटन है हमारा, वहां पे लंच है, हमारा खाना वहां भी है, हम वहीं चले जाएंगे। हां तो फिर नहीं लाना? नहीं लाना, खीर जरूर लाने, कुछ लाओ ना, मीठा तो चाहिए ना जी, वैसे तो इनके हलवा खीर तक खाऊंगी, खीर बिना नहीं रहूंगी दी। ओके तो गाइज, ये पागल हो रखी है, मेरे लिए खीर लेके आनी है, तो चलो गाइज चलते हैं मार्केट में। मेरा कर का पैकेट दे दे, बस यही लेना, 1 लीटर रिफाइंड, 2 किलो पारस घी, 2 किलो पारस, 2 किलो पारस देना जी, आधा किलो सूजी, 1 किलो सूजी, 1 किलो काले चने।
उसने बोल लिया मेरे तो बोल दो आप देख लो थोड़ा बच्चा है जी ध्यान रखो थोड़ा सा ऐसे आधा कोई ना वो ना निकालेगा मैं दोबारा बोल दूंगी एक गोला चलो कोई बात चीनी होगी चावल होगी 1 किलो बेसन 1 किलो बेसन होगी सिरप होगी 1 किलो सोयाबीन 1 किलो सोयाबीन तो गाइस शॉपिंग करके आ गए ये देखो जी रहने दो ना रोज का काम रोज का चट्ठो का रोज का इसने नहीं बेरती की चीज रोटी कौन सी दुनिया में कोई रोटी नाम की चीज ही बनी है पर वह नैन्सी ताई ना बनी सब्जियां नैन्सी के लिए नहीं बनी गिया तोरी टिंडे और मेरिया भी इसी है मैंने क्या कहा मेरे फास्ट है दी अभी फास्ट है तो दी मैं बाद में खा सकती हूँ मुझे कहीं नहीं लगता हाँ पर यही सी रहनी है तो गाइस शॉपिंग करके आ गई हूँ परचून का ले लिया आप लोगों ने देख लिया कन्नू का कन्या का क्या लिया है कुछ अलग सा लिया है और कुछ नहीं लेके जाऊँ मैं अभी दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर में वो भेज रहा है क्योंकि वो उसमें एक पीस कम था तो वो पूरा पैक निकाल के भेज देगा और एक ये वाला जूना मैं बहुत दिनों से मांग रही थी ये वाला रेड वाला एक आता है ग्रीन वाला ये रेड वाला ना ये बड़ा मस्त है कितने हैवी काले बर्तन हो ये जब बढ़िया वाला साफ करता है एक ये लेके आई और अब आ चुकी हूँ शॉप पे और क्या लिया है कन्या के लिए वो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी बताना आप लोग कैसे बैटरी बोल दिए 30% हो रही है बिल्कुल और मेरे यूँ था मैं लेके ना गई तो मेरे यूँ था कि नीचे है इसलिए ना लेके आई पर्ची तो डबल सामान लिया है मैंने जो एक आधा घर का ख़त्म हो रहा था वो भी ले लिया कितना बिल हो गया था मैं कहा भाई इतने जब इतना हो गया था ये भी दे दे फिर कई दिन में फ्राम तो गाइस नैन्सी होना इतनी शौकीन है फास्ट फूड खाने की और अगर ना जान के खा रही है जान के कि उन्हें तो मेरे को तो मोटा बाद में जिनको मैं कुछ नहीं करेगी ना डाइटिंग करेगी ना कुछ करेगी और है ना डेली कल फ्राइड राइस खा रही थी आज समोसे खा रही है उससे पहले चाउमीन खा रही थी उससे पहले फिर समोसे खा रही थी पेटी कल पेटी से खा रही थी कुछ ना लगी हुई है फट जाएगी बिल्कुल इतने शौक है ना फास्ट फूड या भी नहीं फील हो रहा इसको बाद में फील होगा व्लॉग मैंने अपना बनाया है इसका ना बनाया पर चुगली इसकी करी है वो तो फिर तू व्लॉग में देख ली वो कुछ और है सोच रही है जो मैंने आप लोगों से बताया ना वो ना सोच रही वो कहीं और ही गई है पानी मैंने फास्ट पता है कैसे रखे थे शेक दिन में एक फ्रूट वाला पपीता चीकू का मीडियम वाला और एक सेब ये रखती थी और घर पे क्या पी के आती थी घर पे भी मतलब आप उसको क्या बोल सकते हो लिक्विड ही पी के आती थी जब भी खाया तो मैंने कुछ नहीं है सिवाय एक सेब के ये थी मेरी 9 दिन की डाइट मतलब 9 दिन के फास्ट का इस बार का मेरा ये था मैं चाय वाय मैं नहीं पीती दूध मैं नहीं पीती लस्सी मैं नहीं पीती ये चिप्स कुट्टू का आटे का फलान ढकड़ सामकिया मैं कुछ भी नहीं खाती कभी भी ये सब चीज़ें मैं नहीं खाती फास्ट में वैसे जिन मतलब सबका अलग अलग होता है जो खाता है वो खाता है भाई सब ऐसे नहीं रह सकते सबका अपना अलग होता है तो गाइस अभी जब सामान आ जाएगा फिर आप लोगों को दिखाएंगे तो गाइस अब कर लेते हैं थोड़ा सा काम कस्टमर आए हुए हैं और मेरे को ये इम्पोर्टेंट करना पड़ेगा चलो चलते हैं फटाफट बताओ बहन क्या दिखाना है तुम्हें जल्दी बताओ हाँ इतने कौन बूंदा क्या देगा किस एंगल से तू बूंदी है मैंने नू बता असल में जो आदमी थोड़ा सुथरा हो ना वो यूं करा कर हाँ मैं तो बहुत नृत्य शक्ल सी है मैं तो यूं हो रहा है हो गया तेरा खाना पीना मतलब पतली जो श्रृंगार जो श्रृंगार का सामान बता के किस टाइम लेना है मेरे को कितनी लेना मैंने और तू ये पहले ही छह तेरे तो बात कर लाइट वेट में ये भी लाइट में
सिंदूर दे दे एक जोड़ी इससे दिखा दे मिस ब्यूटी का ना कौन सा रखा पड़ा सो वो वाला दे दे पत्ते वाला 110 वाला मैं हूं तो उसमें मैं हूं है इस ब्यूटी का कट उसमें ना होगा तो इस बोल्ड वाले में मिलेगा एक लिपस्टिक में लिपस्टिक ऐसी तो कितने रह गए एक साल में तू आके ना फिर शक्ल दिखा ये सही सारे यार ये मैं तो गाइस जो मैंने कंजकों के लिए लिया है ना वो सामान आ गया अभी दिखाती हूँ आपको और बताना सही है ये चीज या नहीं है ये देखो गाइस लंच बॉक्स है गाइस ये लंच बॉक्स है और ये पर्स में है मतलब हैंड किट टाइप में मुझे थोड़ा यूनिक सा लगा तो मैंने ले लिया बच्चों के लिए वैसे यूजफुल है उसके लिए इसमें ये एक स्पून है ये एक स्पून है एक ये सब्जी की डिब्बी है अच्छा है ना और इसकी जो ये क्वालिटी है ना ये अच्छी है कैसे लगे अच्छे है ना और गाइस नैन्सी अभी देख रही है नैन्सी को लेना था ये ले रहा है नैन्सी ले लो कि हमारी चावल तो आ जाएगी हमारी बात है हमारी खीर ले आना बस सुंदर है ना मैंने ये किट है हैंड किट है या मैं यह चीज कहूं थी बस दी मेरे लिपस्टिक आ जाएगी इसके अंदर एक रोटी सब्जी ए इसमें लिपस्टिक ना आवे इसमें लिपस्टिक भी आ जाएगी नेल पेंट भी आ जाएगी हैंकी भी आ जाएगा सेफ्टी पिन भी आ जाएगी सब कुछ आ जाएगा इसमें चावल आएंगे हां इसके चावल आएंगे अच्छा है ना कौन सा कलर लेने पर रेट भी ज्यादा है कितनी बड़ी हो गई जी बुक है गाइस कैसे आप सब अभी और एक द फहर और गाइज मैं अभी स्कूल से आई थी और आते ही मैंने आज फिर से कुछ कला करी थी कुछ तो कैट डबल मैंने आज बनाए हैं फिर से सैंडविच टोस्ट कह सकते हैं आपसे और इसके अंदर मैंने फिलिंग किया है बहुत ही टेस्टी देखो आप देख सकते हो ऐसे खीरे टमाटो ऐसे डालते हैं सो मैंने भी वही पुट किया है और थोड़ी मेयोनीज के साथ और अभी राय नीता को मैं दे चुकी हूँ गाइस दादी भी खा चुके उनका रिएक्शन देखते हैं yes. तो गाइस ये तो खाने भी लग गए yes, कैसे लगे दादी अच्छे आ नहीं रही थी ना और तू तो अब एक मिनट और नहीं आती ना तो हम खा जाते हैं आपके फिर रोती एक बार कहती आ जाना जी ओके चुप रहे जी मेरा पड़ोस का था मेरे अब बंद कर देना इसको वो तो कट जाएगा मैं ये थोड़ा ही लूंगी मेरे बैनर के पड़ोस काला तो गाइस अभी हो चुका है शॉप बढ़ाने का टाइम और ये कर लिए पैक अब प्रॉब्लम ये है कि परचून की दुकान पे भी सामान रखा है ये भी हो गया है तो शोरूम तक कैसे लेके जाऊंगी ये देखना अब क्योंकि मेरे पर्स भी है मेरा थैला भी है एक्स्ट्रा और नैन्सी को लेके जाऊंगी फिर वापस शॉप में आनी पड़ेगी इससे अच्छा तो मैं ही परेशान होगी ले जाऊंगी वहां से तो फिर तेरे भैया ले लेंगे तो अब मिलेंगे गाइस आपको घर जाके सो हेलो गाइस मैं घर आ चुकी हूँ और आपको अंधेरा दिख रहा है तो जल्दी से रोशनी करते हैं टेंटेंटें और गाइस सामान डालते हैं सारा तो पहले स्पेस बना लेते हैं पेट में दर्द हो जाएगा बुड्ढू और चल ले हटियो तो पहले ऊपर रख लेते हैं इसको ये ले पकड़ कैमरा पकड़ हेलो गाइस अभी कैमरा और बैक कैमरा अभी मम्मी किसी चीज की ओपनिंग कर रही है और मुझे नहीं पता है कि सामान है कितने में है क्या रोस्टी जो कल गाइस को बताया ना मेरा दिल्ली पढ़ाई हुई थी तो जो कुछ घर का शौक था वो मिले इस साथ में
और जो कल माता की पढ़ाई के टाइम चाहिएगा वो सारी चीज़ें लेके आई, तो वो सारी चीज़ें मैं अभी जो कल चाहिए वो तो मैं अभी ऊपर ही रखूँगी सारी, पर नहीं ऊपर नहीं कर सकती। हाँ हमारे यहाँ ना फोन से आने लगे, और कि पिछली बार जो कंटेनर है ना बिल्कुल जो बंद करने वाले जिसके ऊपर लॉक लगता है उसको खोल के इस कमरे में घुस के उसको खोल के और काजू उठा के बांट दिए, काजू ये सी रही बंदर मान के कल आई हूँ। फटाफट देख लो आप, पहले ये है मैक्रोनी डिस्पोजेबल प्लेट्स, अगेन काजू, डिश वॉश ये तो भी बहुत रखो, मिल्क पाउडर, सॉल्ट, रिफाइंड ओनली फॉर कुकीज क्योंकि कहीं कुछ बनेंगी वैसे हम रिफाइंड नहीं खाते, तो चावल वैसे अभी पड़े थे तो बीच में ख़त्म हो जाएंगे इसलिए थोड़े से लेके आई हूँ, चीनी और बादाम, बादाम और नाम तो रखे हैं काले चने क्योंकि कल माता की कढ़ाई होगी तो इसके बगैर कढ़ाई अधूरी है माता की, और बच्चों के लिए मैगी और मैगी और भी थोड़ी थोड़ी आई है, गोला गोला तो रखा है, बेटा बकरा को रखा है, बेसन ये खत्म रखा था घर पे, ये क्या है सूजी, सूजी घी, और लास्ट एंड फाइनल सोया बड़ी, ओह ये मेरी फेवरेट है मुझे बड़ी, और इससे अलग तो आप लोगों ने देख लिया था वो निकाल देती हूँ, उस पेटी को मैं खोल देती हूँ फटाफट से, तो ये सारा सामान आया है और ये केलों की पन्नी भी आया है, और ये बनाना है, और टंकी को देख के एक बार फिल तो नहीं हो गई है, जल्दी देख के मैं तब तक इसको डिब्बे में से निकाल देती हूँ सारे वो क्या बोलते हैं लंच बॉक्स को, हमारे घर पे आके जब आप बोलते हैं ना प्यार से कि खाओगे कि प्रसाद लोगे, बोले कि हाँ आएंगे और तो नगे बस प्रसाद प्रसाद दे दो, प्रसाद प्रसाद दे दो, हमारे यहाँ के साथ में फैन बंद कर दे, फैन की वजह से आवाज नहीं आ रही, मंदा कर देते हैं और स्लो कर दे, नहीं इतनी तो बहुत है मम्मी तो आवाज भी नहीं करता, ये खुल ही नहीं रही, खुल जा खुल जा सिम सिम खुल जा सिम सिम, खुल गई और अभी ये व्लॉग जो बन रहा है ना गाइस ये ऐड करने का टाइम मुझे कब मिलेगा पता नहीं, क्योंकि कल ये व्लॉग डालना है, मम्मी ये लंच पूरा दिन मुझे बिजी रहना है पूरा दिन, ये लंच बॉक्स है, ये लंच बॉक्स है यही सी मेरा है, मम्मी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, भाई मम्मी इस बार तो आप बहुत अच्छा सामान दे रहे हो, हर बार गंदा होता है बुद्धू, हर बार अच्छा होता है, लास्ट टाइम कितने अच्छे हेयर बैंड्स और वो थे पिंस वगैरह, यूजफुल चीज देती है मम्मा ठीक है, और ये भी हल्के वाले नहीं लाई मम्मा, बहुत अच्छी क्वालिटी के, जैसे हमें मिले थे उससे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो गाइस चलो अभी मैं इनको रख लेती हूँ सामान को, कहाँ कैमरा कर रखी है गाइस, जिसके हाथ में कैमरा था ना एक इतना गंदी ब्लॉगिंग करती है, इधर 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 ऐसे ही लगा रहता है कैमरा, मैं तो गाइस को टिफिन दिखा रही हूँ देखो गाइस, ये देख चुके हैं गाइस, मैंने शॉप पे दिखा दिए थे गाइस को, दिखा रखे हैं बेटा, तो गाइस अभी हम कर लेते हैं ये काम, तब तक आप बने रहना साथ, अभी ब्लॉग एंड नहीं कर रही मैं, क्यों जो हमारे कंटेनर है ना जिनमें सामान रखते हैं उनमें रखूँ, तो मैं थोड़ा सा पहले इनको साफ कर रही हूँ, साफ करके एक मिनट में मम्मी बोलना, जो सामान प्लेट का है ना जो बाद में यूज होगा जैसे कि उसमें कंटेनर में भरा हुआ है उसके नीचे, जैसे कि खिचड़ी की दाल छोले, दाल मैंने कली डाली है सेवैयां अभी नहीं बना रही, मम्मी चरचरी बनाया करो, मीठी मत बनाया करो, चुप रहे सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होता रहे, मम्मी मीठी कोई नहीं खाता, बेसन बेसन ऊपर रखूंगी कल थोड़ा सा डालूंगी, क्या लेना था मुझे, हाँ मैक्रोनी मैक्रोनी सोया बड़ी, रुक जाइए इधर उधर कर रखा है सारा सामान, ये रही सोया बड़ी, ये भी तो रखी क
काजू बादाम इसमें क्या मसाले और वो है इसमें सारे मसाले हैं या अदरक का ये रिफाइंड है अभी मैं ऊपर ही से मेरे रख रही हूँ ये डिब्बों में है ये सूजी सुबह ऊपर से ही उठा लूँगी काजू का पैकेट काजू बादाम ये इसमें जाएंगे उनको बाद में देखती हूँ तेरा कैमरा हिलता रहे मैं मेरा हिल नहीं रहा मेरा बिल्कुल परफेक्ट है आप दिख रहे हो अभी ये ओ भाई हमारा उसमें और थोड़ा सा सामान रख दूं मैं इसमें क्या रखोगे तो पहले ही मेरा पड़ा है और मैं तोड़ भी लिया मैं सोच रहा हूं इस डिब्बे को आना तो उधर भी कचरा बना देते हो मम्मी डिब्बा इतना भारी है एक बार बाहर निकल जाए तो फिर अंदर जा नहीं पा सो गाइस इसमें रखा है ये वाला सामान जो इस टाइप का वो वाले चीज़ें एक ये तेल की शीशियाँ है इधर एक ये रस और लड्डू के बिस्किट ये हो गया फुलफिल अब इसमें ये साबुन मिल्क पाउडर का डिब्बा अब ये वाला डिब्बा इसको साफ करते हो इधर कितना कबाड़ा ने उत्पात मचा रखा है मैंने क्यों मिस्टर मेरा नाम क्यों ले रहे हो सामान तो दीदी निकालती है मुझसे ज्यादा ये शायद खराब हो गई होंगी एक दिन भी नहीं बनाएंगे एक दिन मैं एक दिन बनाती दीदी बोली नहीं बनानी थप्पड़ लगेगा डेट क्या सूप है बताओ पापा आपको इन टिफिनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है वो डिब्बे में जो छपे हुए हैं अरे बताओ ना मैं और दीता ही नहीं ना मंडे को स्कूल में भी लेके जाएंगे और क्या मम्मी ने बोला है इसमें बेटा वो नहीं आएगी सब्जी वगैरह अच्छे से सब आती है इतना बड़ा है इतना चौड़ा देखो देख लो एक उतार लो उसी में देख लो इसमें क्या खाना बहुत कुछ आता है खोलो तलने में दिक्कत कर देगा तरते देखो ये रही चम्मच इतना बड़ा है सब्जी का सूखी सब्जी में तो चल जाएगा मतलब ज्यादा पानी वाली सब्जी में तो फिर भी लीक हो सकता है पानी पड़ सकती है जैसे भिंडी की सब्जी है ये उल्टा ये चल जाएगा करी वाली में डिब्बी बांधनी पड़ेगी यूं है ना कि लेट हो रखे हैं तो यूं ही पकड़ के ले जाओ स्टैंड पे है ना मम्मी देखेंगे ओ भाई योग की सर्टिफिकेट योग की सर्टिफिकेट दादी भी पूछेगी किसी आएंगे दस किस तारीख से पता पापा ने तो बड़ा अच्छा अंदाजा लगा था ये है दित्या का पर ऐसा ही सेम टू सेम पर कलर अलग है मेरे वाले का ये वाला मेरा देखो ये वाला मेरा मेरे तो पैर ही गंदे हो रहे हैं ऐसे खिचड़ी के दाल है ना इन्हें तो ऊपर रख दो इन्हें को तो नीचे रखो निकालने की ना ये सारा संतरा निकाल ले अरे ये मम्मी ने इसलिए रखा है क्योंकि कल जो सामान दिया जाए सूजी रिफाइन काजू बादाम ये वगैरह तो अभी ये ऊपर रख रहे हैं मम्मी जो कि कल चाहिए फिर सुबह मैं सुबह निकल जाऊंगा फिर आप चले जाना आपको मना कौन कर रहा है एक बजे से पहले तो आने वाली थी मम्मी गाइस तो अभी यहाँ पे सारे चल रहे हैं
और सारा सामान यहाँ सब पैक करने लगे हैं और मैं यहाँ खड़े खड़े बोर हो रही हूँ। सो गाइज, सामान वगैरह का सारा काम करके आ गई हूँ इधर रूम में और अब बस लेटूंगी सोने के लिए। और इधर दित्या सो चुकी है और पवित्र बाहर गई है पानी लेने के लिए, थोड़ा सा गर्म पानी मंगाया पीने के लिए। तो गाइज, ये था आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और सुबह उठना है जल्दी, ये मान लो कल सुबह 4 बजे अगर नहीं उठूँगी ना तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा और बिल्कुल हिम्मत नहीं रह रही अब मेरे में काम करने की बिल्कुल भी, पर काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा सुबह, समझ में ही नहीं आ रहा मैं कैसे करूँगी। तो सुबह जल्दी उठना इसलिए अभी लेट रही हूँ क्योंकि आज मेरे बिल्कुल पैरों में ना इतना दर्द हो रखा है पहले ही, और अब आते ही भी लेट ही नहीं, बस पहले वो सामान वगैरह जचाया सारा। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और शेयर कर दिया करो गाइज। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।